स्टूडेंट्स देखिए, ये फोर्थ पॉइंट हमने आपको बता दिए। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्स प्रोनाउन की डेफिनेशन आप देखिए, व्हेन ए पर्सन डू वर्क हिमसेल्फ, जब एक पर्सन अपने आप ही स्वयं कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, तो ये इस टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे लुक एट दिस सेंटेंस, आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस मिस्टेक। तो आई हैव टू ब्लेम, मैंने ब्लेम लगाया माई सेल्फ, मैंने स्वयं पर, फॉर दिस मिस्टेक। तो ही वॉच्ड हिमसेल्फ एट ए रोड साइड वेल। तो पुट योर सेल्फ इन माई पोजेशन एंड से वाट यू वुड डू, दे फाउंड देम सेल्फ इन ग्रेट तो डिफिकल्टी। मतलब आई हैव द ब्लेम, मेरे ब्लेम में माई सेल्फ स्वयं पर, तो वो काम स्वयं आदमी कर रहा है, ठीक है ना, वो आदमी काम स्वयं कर रहा है। इन द सेंटेंस एव माई सेल्फ हिम सेल्फ योर सेल्फ देम सेल्फ, इसका जो प्लूरल हो जाएगा, देखिए सेल्फ का सेल्फ हो जाता है, SELVES, ठीक है। जैसे ये टेबल देखिए, फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ का हो जाएगा अवर सेल्फ, सेकेंड में योर सेल्फ का योर सेल्फ, थर्ड में हिमसेल्फ का हर सेल्फ का, इट्स सेल्फ का देम सेल्फ, ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्लूरल में। तो द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ही यूज टू हिमसेल्फ, ठीक है, दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक, उसने मिस्टेक की। तो दोबारा देखिए, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक कहते हैं दृढ़वाचक, ठीक है, इसको इंटेंसिटिव भी कह देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट स्टैंड फॉर डिटर्मिनेशन, इट स्टैंड फॉर डिटर्मिनेशन, दृढ़ता सूचक, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, इसमें देखिए, इसमें अंतर देखिए, आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ, ठीक है। तो ये वर्ब वगैरह ये इसके बाद, ये सबसे बाद में लगता है, लेकिन जो इम्फेटिक प्रोनाउन है, जो इम्फेटिक प्रोनाउन है, और ये अगर इसके लिए आता है, मतलब स्वयं के लिए, तो ये एकदम सब्जेक्ट के बाद में लग जाता है। जैसे आई डू माई सेल्फ द वर्क, आई माई सेल्फ सो हर, ठीक है, इस टाइप से। आई ऑफर टू ड्राइव द कार माई सेल्फ, मैंने आई ऑफर टू ड्राइव, मैंने ऑफर किया तो उसके ड्राइव के लिए, अपनी स्वयं के कार चलाने के लिए। हाउ कैन यू ब्रेक द रूल्स दैट यू योर सेल्फ हैव मेड, तुमने किस प्रकार बनाए। तो इस टाइप से ये आपका मतलब ऑब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के एकदम बाद ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। द सेल्फ फॉर्म आर यूज इन द सेंटेंस एव द इम्फेटिक एंड नाउन, दे स्टैंड फॉर आई माई सेल्फ मीन्स आई एंड नो वन एल्स, मतलब मेरे अलावा कोई नहीं, ठीक है, ये है। तो इसमें आपको ये आपको बता दी हमने, इसके अलावा ये आपके, इसके अलावा देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेकिपोरियल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये इस टाइप के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके इतने ही है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज मैंने आपकी पिकअप भेज दी है, और ये आप करा दिए, मैंने आपको पिक सारी मैंने भेज दी है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, आपका ये प्रोनाउंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया, और ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, ओके। और इसको आप अपना बुक ले लीजिए, बुक से अपना याद करिएगा, आपको हेल्प मिलेगी बुक से, और ये एक्सरसाइज आप के लिए मैंने समझा दिया, इसको आप करिएगा।